हेलो हाय एवरीवन, मेरे वी किचन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए अंडे के कोफ्ते करी की रेसिपी लेकर आए हैं। अंडे के कोफ्ते तो आपने बहुत बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग ढंग से अंडे के कोफ्ते बनाएंगे। ये अंडे के कोफ्ते की रेसिपी आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी, तो आइए बनाते हैं अंडे के कोफ्ते। अंडे के कोफ्ते बनाने के लिए हमने सबसे पहले 3 अंडे लिए हैं और उसे हमने बॉईल कर लिया है। इसे उबाल कर और हमने इसका छिलका छील कर निकाल दिया है और अब हम इस अंडे को इस तरह से बीच से तोड़ेंगे कि इसका ये बीच वाला भाग ये साबुत निकल आए। हम अपने तीनों अंडों को इसी तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हमने ये बीच का भाग इसका अलग कर दिया। ये देखिए, हमने तीनों अंडे का येलो वाला भाग अलग रख लिया है और ये व्हाइट वाला भाग अलग कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर ये 50 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को और इसको हम दोनों को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, ये अंडे का सफेद वाला भाग है और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे सारा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, हमने सारे अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन इसे कद्दूकस कर लिया है और अब हम ये पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, ये पनीर भी हमारा कद्दूकस हो गया है। और ये ध्यान रखिए कि जितना अंडे हमारा कद्दूकस किया हुआ है उतना ही हमारा ये पनीर भी कद्दूकस करके हो, दोनों बराबर ही मात्रा में हो। और अब हम इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम करीब 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डालेंगे और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। ये देखिए, ये इसका डो रोटी या आटे की तरह तैयार हो गया है और अब हम इसमें भरने के लिए फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए हमने जो अंडे का उबले हुए अंडे का ये जो येलो भाग निकाला था, अब हम इसे एक फोक की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें और नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। और हम इसमें ये 1 पिंच येलो फूड कलर डालेंगे। फूड कलर भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज करते हैं तो डालिए, आप नहीं फूड कलर यूज करते तो आप ना डालिए। और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये खूब अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम इसमें से ये जो पनीर वाला डो था, हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे। हाथों पे हमने ऑयल लगा लिया है और अब हम इस लोई को इस तरह से फैलाएंगे पूरी की तरह, और इसमें से थोड़ा सा डो उठाकर इसमें हम बीच में भर कर इसे हम कवर कर देंगे ऊपर से। और इसी तरह से हम अपने सारे कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए, कोफ्ते बनाने के लिए हम थोड़ा सा ये पनीर वाला डो तोड़ेंगे, इसको हाथों से ऐसे करके इसे थोड़ा सा हम हाथों पर फैलाएंगे, फिर यहां से हम थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, फिलिंग को बीच में भरेंगे और ऊपर से हम इसे इस तरह से बिल्कुल कवर कर देंगे और इसे हम गोल शेप
दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे कोफ्ते अपने बना लेंगे। ये कोफ्ते देखिए हमारे सारे बन गए हैं और अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई में हमने रिफाइंड डाला है। रिफाइंड हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें ये कोफ्ते डालकर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इन्हें हम मीडियम से सिम आंच पर डीप फ्राई करेंगे और इन्हें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते डीप फ्राई हो गए हैं और अब हम इनके लिए ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, दो दाने लहसुन के, एक इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़े से यहाँ पर हमने काजू लिए हैं और इन सबको हम मिक्सी के जार में डालकर इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए प्याज का पेस्ट पीसकर तैयार हो गया है और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रखी और वो ऑयल जिसमें हमने कोफ्ते डीप फ्राई किए थे कढ़ाई में से ऑयल थोड़ा सा कम करके और अब हम इसमें सबसे पहले 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और ये प्याज का पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा भून गया है, इसमें तेल देखिए ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, हमने 1 टीस्पून डाला है, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसे हम थोड़ा सा फिर भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है और अब हम यहाँ पर एक टमाटर को पीस के इसकी प्यूरी बनाकर डालेंगे। ये देखिए टमाटर हमने पीस लिया है और ये पिसा हुआ टमाटर भी हम इसी में डाल देंगे और चला लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। हमने इस मसाले में हल्दी नहीं डाली है इसलिए इसका कलर इतना सुंदर आया है। और अब हम इसमें 1 कप पानी डालकर इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे और इसे उबाल आने देंगे। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा पानी, 1 कप से थोड़ा पानी और डाल सकते हैं और इसमें हमें उबाल आने देना है। ये ग्रेवी में उबाल आने लगा है और अब हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और इसे चला लेंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए ढककर ग्रेवी को पकने देंगे। 10 से 15 सेकंड बाद हम खोल के देख रहे हैं, देखिए ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल पककर तैयार हो गई है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में हमने ये कोफ्ते निकाल लिए हैं और इसी पर हम ग्रेवी डाल लेंगे। ये देखिए एग कोफ्ता करी तैयार है और अब हम इसे हरे धनिये से गार्निश कर लेंगे। तो एक बार आप इस तरह से एग कोफ्ता करी बनाकर देखिए, ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बिल्कुल अलग तरह से इस तरह की रेसिपी आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। तो एक बार बनाइएगा जरूर डिफरेंट स्टाइल में एग कोफ्ता करी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इस तरह से एग कोफ्ता करी बनाई तो आपको कैसी लगी। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।